नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। बारात निकाले जाने के दौरान पुलिस द्वारा डीजे जब्त किए जाने पर लोगों ने किया जमकर बवाल। भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र के गोलाघाट स्थित शिव मंदिर में शिव बारात के साथ डीजे निकालने के दौरान तातारपुर थाना पुलिस के द्वारा डीजे को जब्त किए जाने के विरोध में गोलाघाट चौक को देर रात स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल खड़ा किया। लोगों ने मूर्ति और झांकी के साथ निकाली गई बारात को गोलाघाट चौक पर बांस और बल्ले से चौक को घेर कर घंटों जाम कर दिया, जिससे आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। तातारपुर पुलिस लोगों को समझाने बुझाने पहुंची, लेकिन आक्रोशित लोग जब्त किए गए। डीजे को छोड़े बिना बारात आगे ले जाने को राजी नहीं हुई। इस दौरान दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे एएसपी पूरण कुमार झा ने जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन को लोगों को समझाते हुए डीजे नहीं बजाए जाने के बाद गोलाघाट समिति को डीजे वापस किया। इसके बाद शिव बारात निकाली जा सकी। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में किसी भी तरह के आयोजन के दौरान डीजे बजाए जाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। देखिए वरीय संवाददाता मोहम्मद कामरान आलम की ये रिपोर्ट। देखो डीजे नहीं बजाएंगे, ये पता हो ना, कुछ चीजें तो अपने आप पता होती है कि डीजे कभी नहीं चलाना। आप लोगों ने देखा है ना, कई जुलूस में पहले भी देखा होगा कि डीजे प्रतिबंधित है। एक दूसरा कोरोना गाइडलाइन है कि 100 आदमी हम एक साल से मान रहे हैं। लोगों का जो मांग था वापस कर रही है, और डीजे का मांग था डीजे हम लोगों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। हम लोग बाराती बढ़िया से निकाल रहे हैं। डीजे को समझा के छोड़ दिया जाए। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि रिलीज कर दिया जाएगा, आप लोग को बजाना नहीं है डीजे। आप लोगों ने क्या कहा? हम लोग सभी यहाँ का जितने भी समिति के लोग हैं उनका कहना है कि डीजे नहीं बजाएंगे, लेकिन डीजे को रिलीज करा दिया जाए, जो कि थाना में यहाँ से पकड़ के ले गया है। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।